Hello friends, welcome to Unique Adventures. This is Abhijit. I hope you all are staying safe and healthy during this pandemic. Hi friends, this is Adita. So welcome to a new video with some new adventures. So on the occasion of our birthday today, we both share birthdays. So on our occasion of this birthday, we are going to stay in an Airbnb. We have decided an exotic location for that. So we are going to share all the information in this journey with you. How much does it cost? Where are we staying? Why we decided to stay at this place? So come on, let's go. Let's go. We are on our way to our Airbnb for our birthday celebration, and it is about hour and a half from our place, but currently the driving conditions are poor because of the smoke. So California is known for its wildfires, and today is one of those days when you can easily see the smoke in the air. So we would like to show you some smoke right now on the freeway. Oh, we are not sure actually how much they can see on the camera. I think they should be able to pretty much see very well over here right now. But you let us know in the comment box whether you are able to see the smoke or not. We are in the fast lane, so the extreme left hand side corner lane is called a fast lane, and we are on our way to San Francisco as you just saw. So we will keep you updating along the way. तो जी सामने आप जो ये देख रहे हैं, ये जो येलो लेयर बनी हुई है हवा में, ये सारी लेयर जो है वो वाइल्ड फायर्स की वजह से है। कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर्स होते हैं, हर साल होते हैं, लेकिन इस साल वाइल्ड फायर्स बहुत बड़ी मात्रा पे हैं, और उसी के वजह से ये सारी जो येलो लेयर बनी है हवा में वो आपको सामने दिखाई पड़ रही है। हम लोग इसके बारे में एक नया वीडियो बनाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन उस वाइल्ड फायर के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे जल्द ही। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हम फिलहाल चल रहे हैं I-80 पर। I-80 जो इंटरस्टेट है, ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट के साथ जोड़ता है, और वो वही I-80 है जहां से हम अब सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ रहे हैं। तो जी चलिए, अब हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ रुक रहे हैं। तो हम रहने वाले हैं एक Airbnb में। Airbnb क्या है? Airbnb एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके वेकेशन के लिए किसी और के घर में जगह बुक कर सकते हैं। जी हाँ, किसी और के घर में। अब ये फैसिलिटी इंडिया में भी आ चुकी है और ये फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो Airbnb जो कंपनी है, उसका जो रेवेन्यू है वो लगभग 38 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का है। तो कैसे बनी ये कंपनी? 2008 जब अमेरिका में बराक ओबामा के इलेक्शन की धूम मची हुई थी, उसी वक्त जो और ब्रायन नाम के दो दोस्त सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें पता चला था कि जल्दी उनका रेंट बढ़ने वाला है, और उन्होंने जॉब्स छोड़ दी थी जो वो कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब, और अब उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो उस रेंट, बढ़े हुए रेंट का पैसा कैसे भरे। तो उनमें से जो है, उनको एक आइडिया आई और उन्होंने कहा कि उनका जो रूम है घर में का, वो रेंट पे देंगे एक कॉन्फ्रेंस पे आने वाले कुछ लोगों को। तो तीन लोगों ने उनके रूम को बुक किया और तीन लोग उनके घर में रहने आए। उन्होंने उनके लिए एयर बेड, जो हवा से भरा हुआ बेड होता है, वो बेडरूम्स में डाला और वो तीनों लोग एयर बेड पे सोए। उनके वेबसाइट का नाम इसीलिए एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट है, Airbnb। जब वो लोग गए, उसके बाद उन्हें ये आइडिया अच्छा लगा और जो और ब्रायन ने सोचा कि वो कंटिन्यू करेंगे इस आइडिया के साथ, लेकिन कुछ तकलीफ़ें आई और जिसकी वजह से उनको वो ज़्यादा देर तक नहीं करने मिला। लेकिन कुछ ही महीनों में डेनवर कोलोराडो में बराक ओबामा का एक बड़ा स्पीच होने वाला था, और उस स्पीच के दौरान बराक ओबामा को देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग डेनवर कोलोराडो में आने वाले थे। और ब्रायन और जो को ऐसा लगा कि वो वहाँ जाके Airbnb वेबसाइट सेटअप करेंगे
और शायद उन्हें कुछ सक्सेस मिलेगा। उस वक्त वहाँ पे डेनवर में 100,000 लोग रहने आने वाले थे, लेकिन होटल्स में केवल 30,000 रूम्स अवेलेबल थे। लेकिन जब एयरबीएनबी आया तो लोगों ने अपने घरों में रूम्स जो थे वो वेकेशन रेंट पर एयरबीएनबी पर पोस्ट किए और लोगों ने आके वो बुक करे, और तभी से एयरबीएनबी को सक्सेस मिलना शुरू हुआ। दो सालों में 2008 से 2010 में एयरबीएनबी ने काफ़ी जगह पे उनका प्रमोशन किया और फिर $1 मिलियन की कंपनी बन गई। दुनिया भर से लोगों ने एयरबीएनबी पर अपने घरों के रूम्स या पूरा घर वेकेशन रेंट पर देना शुरू कर दिया, और फिर सिलसिला चला। जो एयरबीएनबी आज फेमस हुआ है वो $38 बिलियन की कंपनी है। हालांकि करंट पैंडेमिक में एयरबीएनबी की हालत खस्ता हो चुकी है, वापस उनके लोग रहने नहीं आ रहे हैं और उससे उनका लॉस होते जा रहा है, लेकिन माना जा सकता है कि शायद अगर ये पैंडेमिक का दौर छोड़ दे तो वापस एक बार एयरबीएनबी आगे अपना सक्सेस का सिलसिला चलाए और स्टॉक मार्केट में इंडिपेंडेंट कंपनी करके आ जाए। तो अब एयरबीएनबी की इन्फॉर्मेशन बस करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। जल्दी हम अब पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारा जो एयरबीएनबी का रूम है वो जल्दी आने वाला है, तब तक आप ये कुछ जो झलकियाँ हैं वो एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको लगता होगा कि कैलिफोर्निया या यूएस के फ्रीवेज पे ट्रैफिक जाम नहीं होता होगा तो शायद आप रॉन्ग है, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे पिछले 15-20 मिनट से ट्रैफिक जाम में खड़े हैं और बहुत ही धीरे धीरे ये ट्रैफिक आगे बढ़ रही है। और अक्सर इस एरिया में ऐसा होता है, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बी एरिया के आसपास हमेशा ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक में अटक जाते हो और कभी कभी घंटों लग जाते हैं उस ट्रैफिक में से बाहर निकलने को। तो जी, अब हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। सो जल्द से जल्द हम एयरबीएनबी पहुंच के आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन तभी अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम जो ये फ्रीवे पे जा रहे हैं, यूजुअली अमेरिका में ऐसे काफ़ी सारे फ्रीवेज हैं जहाँ पे आपको 6 to 8 लेन्स होती हैं, हालांकि आप अभी यहाँ पे 4 लेन देख रहे हैं, जल्दी यहाँ पे 6 या 8 लेन्स भी आपको देखने मिलेंगी। बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, नापा वैली से काफ़ी क्लोज है ये एरिया, और इस एरिया में वाइन और टूरिज़म बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और साथ ही साथ ये इलाका और एक चीज़ के लिए फेमस है, जो है अर्थक्वेक्स। आप जो ये ब्रिज हमारे सामने आप देख रहे हैं, इसका नाम है अल्फ्रेड जाम्पा मेमोरियल ब्रिज, जो एक आयन वर्कर के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। और ऐसे कई ब्रिज इस एरिया में बने हुए हैं। पहले यहाँ पे कार्किनस नाम का एक अलग ब्रिज हुआ करता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अर्थक्वेक की वजह से वो अनसेफ हो गया और उसको निकाल कर ये नया ब्रिज बनाना पड़ा गवर्नमेंट को, और 2003 में ये बन के पूरा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज भी। और अब हम यहाँ से लेने वाले हैं एग्ज़िट सैन पाब्लो बे की तरफ, और हमारी मंजिल बहुत ही करीब आ चुकी है। अब तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं सैन पाब्लो के बे पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो में, बहुत ही सुंदर ये जगह है। और वो वहाँ पे दूर आपको दिखाई दे रहा है I-80, और वो ब्रिज सैन पाब्लो ब्रिज के बे के ऊपर से जाता हुआ।
तो जी अब हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी पर, और यूजुअली आप जब एयरबीएनबी पर रहते हैं और होस्ट अगर आपसे नहीं मिल सकते तो वो ऐसे लॉक बॉक्स में आपके लिए कीज छोड़ जाएंगे। तो अब हम ये लॉक बॉक्स खोलेंगे और फिर इसके अंदर से हमारी कीज निकलेगी। थोड़ा सा डाल लो अंदर नंबर ये। तो यहाँ पे हमें कीज मिल चुकी है, तो चलिए अब हम अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बैग लेके अंदर जाते हैं और देखते हैं कैसा है अपना रूम। लेट्स गो। ओह माय गॉड, दिस इज आवर प्लेस फॉर टू नाइट्स एंड थ्री डेज। यस, so they said you have to have a key that looks like a home, and I guess that's the one. We'll try opening this. Bingo! Wow, this is good. Oh wow, big windows and ocean view right across. Oh, wow. This is the living space. Fantastic. They have kitchen with all the appliances. And a fireplace. Oh, big TV. Nice. So I guess bedroom is on the other side. Mm-hmm. There's a separate key for the bedroom. If I can only get this thing open. Ah, there you go. Nice. Oh, wow. Wow. And guys, look at the most important part. Whoa. Ooh, let's open this. The view from the balcony. Train is coming over there right now. The Amtrak train. Yay! Yeah. I hope you guys can see that. Perfect timing. The most beautiful train rides in the Bay Area, and you see a small cat right there. We just caught the train at the right time. This is the backyard. And this is the view of Pablo Bay. Not beach, Pablo Bay. Wow. तो चलिए अंदर से एक बार फिर आपको दिखाते हैं ये घर। ये जो ट्राइंगुलर रूफ है, शायद इसको गेबल रूफ कहा जाता है। आपको अगर पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए उसे गेबल रूफ कहा जाता है कि नहीं। तो चलिए अब हम बाहर जाते हैं और बाहर का भी एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। सिद्धिता आप खोलेंगी ये दरवाज़ा, तब तक आप देखिए ये जो ब्यूटीफुल लिविंग स्पेस है, ओपन लिविंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। और ये जो व्यू है ये पाब्लो बीच का व्यू है,
और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत शाम हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नीचे आप काफ़ी सारे बोट्स देख सकते हैं, यहाँ पे बोट्स पार्क करी हुई है, यहाँ पे बैठने को टेबल्स है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, हमें बहुत पसंद आ रही है। आपको पसंद आ रही है या नहीं? तो हमने आज के इस वीडियो में आपको हमारा जो ये एयरबीएनबी है वो दिखाया है। इस बाजू फोर फूल्स करके एक वाइनरी है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी आरवीज खड़ी हैं, इनके बारे में भी आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। आरवी क्या होती है, यहाँ पे आरवी लाइफ कैसी होती है, वो कैसे स्पेंड करते हैं, इसके बारे में दो या तीन वीडियोस हम और बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में शेयर करेंगे। कभी कभी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हमें वो वीडियो छोटी करनी पड़ती है, इसलिए हम वो अगले दो या तीन पार्ट्स में आपको ये सारा इलाका दिखाएंगे और सारा हमारा जो एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको प्लीज़ बताइए, हम जानना चाहेंगे आपके साथ। और कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं यहाँ पे अमेरिका में। तो तब तक के लिए फोर फूल्स वाइनरी और लोन ट्री से हम अलविदा लेते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।